ये कितने बड़े बड़े फैसले से रबो हुए थे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम जहां हमारे पूर्वजों ने फैसले लिए बड़े बड़े, आज हम उस जगह बैठे हैं। और मुझे लगा इसी बहाने ने मुझे अपने पूर्वजों का चुना हुआ आशीर्वाद मिल जाएगा, जरूर उनकी आत्मा ही कहीं आसपास हो। एक भ्रम है मीडिया में, मैं वो उसे दूर करना चाहता हूं। जब जब सर्व खाप पंचायत के मुख्यालय का जिक्र होता है स्वरूप के नाम पे, तो हमारे मीडिया के बंधु या बाहर बहुत से लोग इसे एक जाति तक सीमित समझ लेते हैं। ये सर्व खाप पंचायत का मुख्यालय सिर्फ एक जाति का नहीं था, ये मुख्यालय जाट का भी था, खापों का, ये राजपूत की खापों का भी था, ये त्यागी समाज का भी था, सैनी भी था, कश्यप, पाल, प्रजापति, हमारे 80 भाई, जितने भी समाज है और जितने भी खापे हैं, वो सब यहां से जुड़ी हुई थी। किसी एक जाति विशेष का ये नहीं था। हमने पहले भी जब एक बार कार्यक्रम किया था, डॉक्टर महेश शर्मा ने 2 करोड़ रुपए दिए थे, जब भी ये बात उभर कर आई थी कि हमारे यहाँ चौधरी भी सभी खापों के हैं, वो अलग बात है, कुछ की मान्य करेगी और कुछ को लोग धीरे धीरे भूल गए। हमारे यहाँ तो ब्राह्मण समाज का भी है, ऐसी सुनिए, हमारे कृषक समाज का भी है, हमारे एससी समाज का भी है, और सभी समाज में सम्मानित लोगों का। तो ये कम से कम सभी जातियों से जुड़ा हुआ मुख्यालय था, किसी एक जाति का मुख्यालय नहीं था। आदरणीय उपेंद्र जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इसके जीवन धार के लिए, इसे उसी स्वरूप में लाने के लिए इन्होंने 1 करोड़ रुपए पहले दिए और 15 लाख रुपए अभी शायद पहुंचने वाले लाइब्रेरी बनाएंगे, 15 लाख रुपए। आज मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, आज जो प्रधान जी ने कहा, मैं रास्ते में विधायक उन्होंने कह रहा था भूपेंद्र चौधरी जी को, मैंने कहा भाई साहब कैसे आते हैं निधि संचोल करते, कई MCC बनवाते हैं, कई कुछ लगवाते हैं। मैंने कहा आपने ऐसा काम किया है कि आपको हमेशा याद रहेगा कि मैंने इस पैसे आप पर बहुत ही बहुत खर्च कर दिए, लेकिन इस आपकी निधि का सही सदुपयोग यहाँ हुआ है, इस सरकार पर जाकर मुख्यालय में हुआ, इसे दोबारा जिंदा करने हुआ। मैं आपके बाद बहुत से ऐसे लोगों का सहयोग रहा है, और विद्यार्थी है मेरे मित्र यहाँ रेस्टोरेंट चलाते हैं, कुछ राजस्थान के मेरे दोस्त हैं जिन्होंने राजस्थान से कारीगर भेजे, अलग अलग सलाह दी, बहुत लोगों का बहुत बड़ा योगदान इसे अपने पुराने स्वरूप को पुराने स्वरूप की तरफ लाने। अब चुनाव सिर्फ थोड़े चुनाव की बात करूं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा भाई शांति से रखो, दो ज्यादा ज्यादा बात नहीं। अभी भाई घर को मतलब थोड़ा सा परेड कर ले सकता हूँ। अभी इस बार का जो चुनाव है, पिछले 2014 का मेरे चुनाव का आपने मुझे पता लगा दिया जो हालात था, जैसा 2014 का आसान दिया ऐसे ही 2019 का मुश्किल चुनाव मेरे सामने था। और सच पूछो तो किसी को उम्मीद नहीं थी मैं चुनाव जीतूं, क्योंकि बहुत बड़े नेता सामने चुनाव लड़ते थे चौधरी जी से, उन्होंने हमेशा कहा जब हम चुनाव लड़ते 3 महीने वो मुजफ्फरनगर में रहे, हमेशा एक बात कही मैंने कहा कि चौसा बहुत बड़े नेता है, मैं तो उनके मुकाबले कहीं फेरता नहीं, लेकिन मेरा प्रयास है कि पार्टी ने चुनाव लड़ा तो चुनाव मजबूती के साथ लड़े। 3 महीने हमने चुनाव लड़ा, मैंने हमेशा उन्हें सम्मान दिया और उन्हें हमेशा स्नेह दिया, जैसे छोटे बड़े थे, बड़े अच्छे वातावरण में हमने उन्हें चुनाव लड़ा। बड़ा मुश्किल भरा चुनाव था, बड़े नजदीकी अंतर से चुनाव हुआ। अब बार बार इस बार का चुनाव अलग इसलिए है कि जो हम हमारे सामने लड़ते रहे वो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में, भाई साहब ढाले मानते हैं ले जाए पर ले जाए, जो राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का डरमारा होगा। एक बात और बताऊं, बड़े सामने लड़ते ये दो परिवार ने, ये दो पार्टियों ने परिवार बांट रखे थे, चाहे सोनू गांव कहना है किसका है, भाजपा का ही घर में एक भाई कहना है किसका, ये लोकदल का, जो घरों में दीवार खड़ी हुई थी इस गठबंधन ने उन दीवारों को तोड़ने का काम किया है। विवाद होने के बारे बीच में हर विवाद राजपाल बालिया नियोगराज जी उमेश्वरी सिंह जी बालियान के पास पहुंचता था, अब नहीं पहुंचेगा भाई, अब विवादों का हल गांव के अंदर होगा,
पार्टीबाजी प्रधान तक सीमित रह जाएगी, ऊपर कोई पार्टीबाजी भी रहेगी नहीं, ऊपर सब एक है, बिल्कुल मैदान आपको संजीव बालियान प्रधान तक कर लियो, और कोई झगड़ा हो छोटा मोटा अपने आप ही फैसला कर लियो, हम किसी की मदद नहीं करने के, सार्वजनिक काम में तो करेंगे अपने काम क्यों करेंगे, गलती ना की जब सब अपने हैं, जैसे पहले बैठे हम जो फैसले करते करते ना थाने में जाओ ना कचहरी में जाओ, क्योंकि कोई सिफारिश नहीं होते, सब गांव में फैसले करा करेंगे और गांव की राजनीति प्रधान तक सीमित, वो आपकी इच्छा उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, ऊपर हमें मैं तो बड़े सुकून में मुझे कई ने मुकर दिया, ये खिलाफ था ये पक्ष में था, 24 घंटे का तनाव था, इस गठबंधन से मैं बड़ी शांति में हूं, सारा परिवार एक हो गया, सब एक हो गए, एक होकर चुनाव को लड़ गए। अब बात एक और आपकी एक ही बात, चुनाव है देश ने मान लिया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना, एक तरफ मोदी जी का चेहरा है दूसरी तरफ को चेहरा तो है नहीं, एक बात हो तुम पता नहीं क्यों आजकल लाल से कौन कर रहे, पता नहीं क्या मामला है हम जैसा लग रहा है, भाई वोट मांग बात की देखी ना लाल भाग करियो, मेरी राजनीति लाल भाग आ रही है ना, ये बताया चेहरे से भी मिलेगा लाल का मैं तो मैं पहले बताओ अच्छा 10 साल आपने सांसद के रूप में काम करी, देखो जी मैं सच बता रहा अपने पूर्वजों की उसके नीचे खड़ा मैं जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग रहा, बिल्कुल मांग रहा, इन 10 साल आपको रोकता हूं संजीव बालियान ने ऐतिहासिक काम किया, इस जनपद की तस्वीर बदली है, यहां अच्छी सड़कें नेशनल हाईवे रेलवे के काम सड़कों का चौड़ीकरण जो भी कुछ कर सकता था अगर बिजली 4 घंटे से लेकर 18 घंटे ये अच्छे काम सामाजिक का अगर ये करे हो, अगर आपका सांसद 24 घंटे आपके बीच में रहा ऐसा कोई नहीं कह सकता अगर ठहर मिलने की इच्छा रखी और सांसद गुजारी, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने फोन करा और मेरे पे संपर्क नहीं गया, मैं आपके फोन भी फोन मैं आपसे 3 बजे बैठ के मिलूंगी गाँव में, मुझे भी लगता 3 महीने से जाते होते होंगे, हर 3 महीने में सुबह आया हुआ चौथा महीना तो दुनिया चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो हर चीज में हो, कई और क्या चीज होता है उसके नारा, इससे नारा और कोई सांसद क्या कर सके, बहुत कुछ बदल गया, बहुत बदल गया आपका जिला, अगर कोई रिश्तेदार बारिश के आवे ना तो पिछाड़ में नहीं आवे, ऐसे ऐसे आज होंगे वो कहते थे विदेश में आ गया मुझे प्रण कर दी, अब एक बात आज के राज से पहले तो मिली मैंने 2 चुनाव लड़े 2 चुनाव में कभी मैं व्यक्तिगत पर आप किसी का मैं मुद्दे की बात करता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से कभी टीका टिप्पणी करना पसंद नहीं करता चाहे 14 का चुनाव हो या 19 का चुनाव, मैंने एक शब्द कभी किसी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा और इस चुनाव में आज तक भी नहीं कहा, मुझे रोज गालियां दे रहे हैं चुनाव रोज गालियां रोज ऐसी ऐसी बात कहें कि अब तो मैंने मीडिया वालों कह दिया मुझे दिखाइए मुझे दुख होगा इस दुख में मैं कुछ बोल गया सभ्यता के दायरे से बाहर नहीं निकलना चाहता, बड़ी मुश्किल से जनपद को पटरी पे लाए, आज यहाँ प्यार मोहब्बत सब रह रहे भाईचारा कायम है जी, कोई जाति है तनाव को धार्मिक तनाव नहीं, और भी हम बात कर रहे सारे भाई बैठे गए, और मैंने कहा वे आदमी कह रहे 2019 के चुनाव के बारे में 2019 के चुनाव को लेकर टारगेट करें ताकि हम राष्ट्रीय लोकल आमने सामने थे, वो लोग टारगेट करते हैं जिन लोगों ने 1989 में चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, हरिश्चंद्र मंडल को चौधरी चंद्र सिंह का
नरेंद्र मोदी सिंह के आशीर्वाद के बाद और योगी जी का काम और योगी जी का काम हमारे प्रदेश सरकार का आशीर्वाद और मुझे नहीं लगता है संख्या पंचायत के मुख्यालय बाद बैठा हूं कोई और मसला आप छोड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।